नमस्कार दोस्तों, 500 महत्वपूर्ण प्रश्न बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक का संपूर्ण निचोड़ इस क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। ए क्लास और सामान्य विज्ञान आपकी कंप्लीट तैयार है वो कर देगी। यहां पर मैंने 500 लिखा है लेकिन 525 से कम क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ जो भी साथी हैं वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, परीक्षा आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वही बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बेस पर है और परीक्षा के अंदर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पीड के साथ ये 500 क्वेश्चन हमको देखने हैं दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव किस क्षेत्र में लाभदायक है? किसमें? खाद्य सामग्री के निर्माण में, औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, तीनों में। तो आपका उपयुक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव का प्रकार है विषाणु जीवाणु कवक, तीनों के तीनों सूक्ष्म जीव के प्रकार है। उपयुक्त सभी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव से हानि है? सूक्ष्म जीव से रोग उत्पन्न करना है, खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना है, खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना है, ये हानियां है दोस्तों सूक्ष्म जीव से हमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य परिरक्षण का तरीका है, खाद्य परिरक्षण का शीतलन है, निर्मजीकरण है, पाश्चुरीकरण है, उपयुक्त सभी ये खाद्य परिरक्षण के तरीके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। किसमें होते हैं? विषाणु के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिजैविक औषधि है पेनिसिलिन दोस्तों प्रतिजैविक औषधि आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? विषाणु को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा व चित्रित किया? किसने देखा था? ल्यूवेन होक ने दोस्तों, ल्यूवेन होक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? कौन सा जीवाणु रोग? प्लेग तो है लेकिन दांत जीवाणु रोग नहीं होता है दोस्तों, तो बी ऑप्शन यहां पे। अगला है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? कोकाई। कौन सा होता है? कोकाई दोस्तों। क्वेश्चन 13, डेयरी के दूध व पादप उत्पादों का किण्वन करने वाला जीवाणु है? डेयरी के दूध और पादप उत्पादों का किण्वन करने वाला लैक्टोबैसिलस दोस्तों। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु मानव आत्र में सदैव पाया जाता है? कौन सा जीवाणु? एस्वेरिचिया कोलाई दोस्तों। अगला है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तपेदिक रोग होता है। कौन सा होता है? तपेदिक। नेक्स्ट है, भूमि में वायु की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव कौन से हैं? जीवाणु है दोस्तों। कौन से हैं? जीवाणु है। क्वेश्चन 17, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु युक्त ग्रंथियां पाई जाती है किसमें? चना के अंदर दोस्तों, चना में। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? किसकी है? जीवाणु की सर्वाधिक संख्या होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रिकारी जीवाणु परिवर्तित करते हैं किसको? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में दोस्तों, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं कौन से? रसायन संश्लेषी होते हैं दोस्तों, रसायन संश्लेषी। नेक्स्ट है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? इनमें से जीवाणु जनित रोग क्षय रोग है दोस्तों। कौन सा है? क्षय रोग। क्वेश्चन 22, कवक कुंचिका रोग किसके द्वारा फैलता है? कवक कुंचिका रोग किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। क्वेश्चन 23, मनुष्य के आंत्र में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा जीवाणु मनुष्य के आंत्र में पाया जाता है? ई कोलाई पाया जाता है, ई कोलाई दोस्तों। नेक्स्ट है, गूंदे हुए आटे को पूरी रात गर्म वातावरण में रखने पर यह मुलायम व स्पंजी क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है दोस्तों? किण्वन के कारण हो जाता है, किण्वन के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है?
अमीबा, पेरामीसियम युगलिना, यूलोथ्रिक्स, ये प्रोटोजोआ नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों के तीनों प्रोटोजोआ है दोस्तों। क्वेश्चन 26, दही मेन्यूर में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कौन सा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही के अंदर पाया जाता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक है कौन है? राइजोबियम। कौन है दोस्तों? राइजोबियम है। नेक्स्ट, भिंडी में पीत सीरा मोजेक रोग है भिंडी के अंदर, वायरस जनित होता है दोस्तों, वायरस जनित। नेक्स्ट है, किसके निर्माण में जीवाणु का उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण में किया जाता है? दही, पनीर और सिरका, तीनों में उपयोग सभी सही रहेगा। क्वेश्चन 30, खमीर उठाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है? खमीर उठाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है जलेबी में और डबल रोटी में, ए व बी दोनों, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 31, क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? क्या बनाने में? आइसक्रीम बनाने में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? किस पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु? देखिए यहां पे मटर, मूंग, चना, तीनों में होते हैं, ए व बी है, लेकिन चना में भी है, तीनों में है दोस्तों। नेक्स्ट, जेंटोमोनास कंपेट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? क्या बनाने में? टूथपेस्ट बनाने के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थों को पेय करने से पहले कितने तापमान पर गर्म कर फिर ठंडा किया जाता है? कितने तापमान पर? 60 डिग्री तापमान पर दोस्तों। नेक्स्ट है, विषाणु का उदाहरण है, इनमें से विषाणु कौन सा है? HIV और TMV विषाणु है दोनों के दोनों, ए व बी दोनों सही रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस सूक्ष्म जीव से बैंगन का लघुपरण नामक रोग होता है? बैंगन में लघुपरण नामक रोग माइकोप्लाज्मा से दोस्तों, किससे? माइकोप्लाज्मा से। नेक्स्ट है, तिल को फिलोड़ी नामक रोग किससे होता है? तिल में फिलोड़ी रोग किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, जीवाणु का उदाहरण बताइए, इकोलाई और लैक्टोबैसिलस दोनों के दोनों जीवाणु आपके, तो ए व बी दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन 39, मलेरिया रोग किससे जनित है? मलेरिया रोग है प्रोटोवा जनित, किसके जनित है? प्रोटोवा जनित रोग है मलेरिया रोग दोस्तों। प्रकृति में निर्जीव की तरह रहते हैं, कौन रहते हैं? विषाणु रहते हैं दोस्तों, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 41, किसकी उपस्थिति के कारण तालाबों, नदियों आदि का पानी हरा दिखाई देता है? किसके कारण? जीवाणु के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय से बहु कोशिकीय सरल संरचना वाले पादप कौन से? एक कोशिकीय से बहु कोशिकीय सरल संरचना वाले पादप शैवाल है दोस्तों, आपके शैवाल। नेक्स्ट है, मांस, अचार, जैम, जेली और सब्जियों के परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? नमक का, शक्कर का, तेल व सिरके का, उपयोग सभी का, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? कौन सा होता है? चेचक रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, वायरस होते हैं, वायरस निर्जीव कण होते हैं दोस्तों, वायरस निर्जीव कण। नेक्स्ट है, TMV है एक, TMV क्या है दोस्तों? वायरस होता है TMV एक। नेक्स्ट है आपका, प्रथम वायरस की खोज किसने की थी? किसने की थी? इवानोवस्की ने, प्रथम वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसों के प्रोटीन खोल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम कार्बोनेट का नाइट्रस अम्ल में ऑक्सीजन होता है? अमोनियम कार्बोनेट का नाइट्रस अम्ल में ऑक्सीकरण होता है किसके कारण? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। नेक्स्ट है, भोजन में आविष उत्पन्न करता है, भोजन के अंदर आविष उत्पन्न करता है, कौन करता है बता दीजिए जल्दी से दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, कौन करता है? क्लाइस्ट्रिडियम दोस्तों, क्लाइस्ट्रिडियम, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलते हैं, वुल्पिया है, क्या है? सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है वुल्पिया दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है?
वुलपिया, अभी अभी देखा था उसको उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है, मोटाई में सबसे बड़ा पेड़, मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ होता है जर्मन शेरमन, कौन सा होता है? जर्मन शेरमन दोस्तों। जबकि बात करते हैं सबसे लंबा पेड़ की, सबसे लंबा पेड़ कौन सा होता है? यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस दोस्तों। नेक्स्ट है, पौधों को आकार के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तीन भागों में। आकार के आधार पर पौधे तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, आकार के आधार पर पौधों का प्रकार है, शाख है, सूप व जाड़ी है, वृक्ष या पेड़ है, तीनों है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट है, पवित्र तुलसी है, पवित्र तुलसी क्या होती है? पवित्र तुलसी दोस्तों क्या होती है? शाखीय पौधा होता है ये। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर पौधों के प्रकार कितने होते हैं? तीन ही होते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, आयु के आधार पर पौधों का प्रकार एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, आरोहण के आधार पर पौधों के कितने प्रकार है? आरोहण के आधार पर दो प्रकार के पौधे होते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, आरोहण के आधार पर पौधे का प्रकार आरोही और वलरी, आरोही है और वलरी है, तो ए व बी दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन 62 है, आवास के आधार पर पौधों के कितने प्रकार है? आवास के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नेक्स्ट है, पौधों का मुख्य भाग जड़ भी है, तना भी है, पत्ती व फूल भी है, सभी अपनी अपनी जगह मुख्य भाग है, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, जड़ों के कितने प्रकार हैं? जड़ें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मुसला और रेशेदार। नेक्स्ट है, जड़ों का प्रकार है मुसला मूल, रेशेदार या जकड़ा मूल, दोनों है, तो सी ए व बी दोनों आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 66, पत्तियों से होने वाली क्रिया कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, श्वसन क्रिया होती है, तो उपयुक्त सभी क्रियाएं पत्तियों के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक द्विवर्षीय पादप है, द्विवर्षीय पादप इनमें से चना है दोस्तों, कौन सा है? चना नहीं है मित्रों, चना द्विवर्षीय, गेहूं नहीं है, चना नहीं है, चीड़, प्याज, प्याज होता है दोस्तों। आगे चलिए, निम्न में से जलीय पादप बताना है, जलीय पादप है जलकुंभी, कौन सा है? जलकुंभी। नेक्स्ट है, एक वर्षीय या एक ऋतु में जीवन काल के पौधे का निम्न में से उदाहरण है, कौन सा है? मक्का है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऐसे पौधे जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सारे की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो पौधे? वो कहलाते हैं आरोही पौधे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पौधे के किस भाग में गेसू का आदान प्रदान होता है? किसमें होता है? पत्ती के द्वारा दोस्तों। 72 नंबर, निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, आलू, अदरक, हल्दी, टमाटर नहीं है, ये तीनों आपको भूमिगत तने के रूप में मिलेंगे। नेक्स्ट है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है क्या कहलाती है? पर्णवृंत कहलाती है, पर्णवृंत दोस्तों। क्वेश्चन 74, एक वर्षीय पौधा है, कौन सा है एक वर्षीय? मक्का, ज्वार, बाजरा, तीनों ही एक वर्षीय है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द्विवर्षीय पौधा है, यहाँ पे द्विवर्षीय की बात हो रही है, तो प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, तीनों ही द्विवर्षीय है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बहुवर्षीय पौधा है, नीम, चीड़, बरगद बहुवर्षीय पौधे हैं, तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर पौधे का कौन सा भाग पाया जाता है? जमीन के ऊपर तना, पत्ती, पुष्प, ये सभी जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट है, पौधे का वह कौन सा भाग है जिसमें मुख्य रूप से गेसू का आदान प्रदान होता है? किसमें होता है? पत्ती के अंदर होता है दोस्तों। सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपके लिए दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 79, खाने के काम आने वाली जड़ गाजर है, मूली है, शकरकंद है, तो उपयुक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट है, जाड़ी का नाम मेहंदी, केर, बेर, तीनों जाड़ियां हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पे। नेक्स्ट है, साग के तने का रंग कैसा होता है? साग के तने का रंग हरा होता है, कैसा होता है? हरा रंग। नेक्स्ट है, जाड़ी के तने का रंग होता है भूरा, कैसा होता है? भूरा होता है दोस्तों। क्वेश्चन 83, साग के तने का उदाहरण गेहूं, चावल, तुलसी, तीनों ही साग के तने, तो उपयुक्त सभी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह पर तैरने वाला जलीय पादप जलकुंभी, कौन सा है? जलकुंभी है। नेक्स्ट है, जल में डूबे हुए जलीय पादप हाइड्रिला, कौन सा है?
हाइड्रिला है दोस्तों। नेक्स्ट उभयचारी पादप है, उभयचारी पादप कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, वेलिंसनेरिया, वेलिंसनेरिया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मृतजीवी पादप है, कौन सा है, मयूकर, मृतजीवी पादप होता है ये। नेक्स्ट है, ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी। क्वेश्चन 89, कीटपक्षी पादप नहीं है, कीटपक्षी पादप ड्रोसेरा है, डायोनिया है, अमरबेल नहीं है, कीटपक्षी पादप नहीं है अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सउपोषी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 92, पादप के कौन से भाग में भोजन निर्माण कार्य होता है, कौन से भाग में होता है, पत्तियों में दोस्तों। नेक्स्ट है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग में के वर्णक को क्या कहते हैं, हरे रंग के वर्णक को कहते हैं पर्णहरित, क्या कहते हैं, पर्णहरित। नेक्स्ट है, अमरबेल क्या है, अमरबेल परजीवी है दोस्तों, अमरबेल क्या है, परजीवी, दूसरों पर निर्भर है ये। नेक्स्ट है, पादपों के पोषक तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कितने भागों में, दो भागों के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, पौधों के उत्कों में वृहत मात्रिक पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, कितनी, 0.2% से 4% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत मात्रिक पोषक तत्वों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, कितने भागों के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, दो भागों के अंदर दोस्तों। अगला है, वृहत मात्रिक पोषक तत्व है, वृहत मात्रिक पोषक तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों ही है आपके, तो यहाँ पे आपका सही रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन 101, क्वेश्चन नंबर 101 आया आपकी स्क्रीन पे, जो देखिए हम देखते हैं, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कमेंट करके उत्तर बताना है, कौन सा है, शीशा दोस्तों, कौन सा है, शीशा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है, मलेरिया, प्रोटोजोवा दोस्तों। नेक्स्ट है, अपॉन उन रोगियों पर किया जाता है डायलिसिस जिन्हें, जिन्हें वरक विकार हो, क्या हो, वरक विकार। अगला क्वेश्चन, हेजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने दोस्तों। क्वेश्चन 5, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्थि एवं दंत विकार रोग। क्वेश्चन 106, से रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, किस भाग को, फेफड़े को दोस्तों, किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 107, काली मौत किसे कहते हैं, गोनोरिया को काली मौत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है, पीलिया किस अंग का रोग है, यकृत का है दोस्तों। नेक्स्ट है, सार्स क्या है, ये सार्स क्या होता है, एक विषाणु जनित रोग होता है सार्स दोस्तों। क्वेश्चन 110, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, कुष्ठ रोग होता है दोस्तों, कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती, खसरा, सार्स, चेचक, टाइफाइड, टाइफाइड है जो वायरस के कारण नहीं होती है दोस्तों, बाकी वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाना कारण है, किसका है दोस्तों, गठिया का, गठिया बाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका द्रवीय कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, किसको माना जाता है, गोल्जी काय को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट रोग वाकू का संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए, एनाफिलेज मादा, क्यूलेक
रेत मक्की, सीसी मक्की। अब करना है यहाँ पर मिलान दोस्तों। सबसे पहले एनाफिलीज मादा, मलेरिया दोस्तों। क्यूलिक क्यूलिक फाइलेरियासिस, रेत मक्की कालाजार, और सीसी मक्की नींद की बीमारी। 4-3-1-2 4-3-1-2 ये रहा ऑप्शन ए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रोगाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है? आविष है, टॉक्सिन, आविष दोस्तों। नेक्स्ट, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किसको कर दिया गया है? चेचक को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा करता है? कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा करता है दोस्तों? प्रतिरक्षा करता है विटामिन ए दोस्तों। नेक्स्ट, संचरित रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान के जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम है, क्या नाम है? जानपदिक रोग विज्ञान, जानपदिक रोग विज्ञान। अगला क्वेश्चन, किस रोग में जैवीय संचरण नहीं होता? किस रोग में नहीं होता है? हेजा के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित हो जाते हैं? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति किससे हो जाते हैं? हंटिंगटन रोग से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मीनामाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारद के द्वारा, किसके द्वारा? पारद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पीला रंग, मजोला कद, एपिकेथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है? ये लक्षण है मंगोलोइड का, मंगोलोइड का दोस्तों। क्वेश्चन 125, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार किसके द्वारा? एडीज एजेप्टी के द्वारा, एडीज एजेप्टी के द्वारा। अगला है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने, तो डब्ल्यू के रोएंटजन ने दोस्तों। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, मलेरिया किसको प्रभावित करता है? पलिया को दोस्तों। नेक्स्ट है, शरीर में की कमी से गेंगा रोग, किसकी कमी से गेंगा रोग? आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से रोगाणु से निमोनिया होता है, कौन से रोगाणु से निमोनिया होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन 30, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित क्या? गला दोस्तों। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है किनके द्वारा? फफूंद के द्वारा, फफूंद के द्वारा। अगला है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था कब? 1991 के अंदर। नेक्स्ट है, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद की बीमारी फंगस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, सफेद फूसफूस रोग पाया जाता है किनके अंदर दोस्तों? पीड़नाशक उद्योग के कर्मचारियों के अंदर, सफेद फूसफूस। परागत जवर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? परागत जवर किसका लक्षण है? कुपोषण का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत कहते हैं प्लेग को दोस्तों। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? किसके द्वारा? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ल्यूकेमिया के नाम से, ल्यूकेमिया के नाम से। नेक्स्ट है, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है कौन सा है? एस्पिरिन है दोस्तों, एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो? सरोगेट मदर कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग? गोइटर रोग होता है। अगला क्वेश्चन, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? कौन सी फैलेगी? टाइफाइड फैल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? औषध
विज्ञान, औषध विज्ञान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? कवकी रोग यहां पर है आपका दाद है दोस्तों, कौन सा है? दाद है आपका। नेक्स्ट है, छोटी माता चिकन पोक्स पैदा की जाती है किसके द्वारा दोस्तों? वेरियोला विषाणु के द्वारा, वेरियोला विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है, रेशेदार अस्थि जोड़ कहां पर? मस्तिष्क के अंदर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी कौन सी है? फीमर दोस्तों। नेक्स्ट है, दर्दनाक अस्थि रोग इताई इताई का पहले कहां पता चला था? इताई इताई का पता चला था जापान के अंदर, कहां पर? जापान में। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए, कंकाल की मांसपेशियों की कितनी है? 700 दोस्तों, कितनी है? 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? कितनी होती है? 206 होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? सरीसृप, जो लुप्त हो गए हैं, सरीसृप प्रजाति के थे जो वर्तमान में क्या हो गए? लुप्त हो गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पुरुष में अस्थियां की कुल संख्या, पुरुष में अस्थियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ऊरु अस्थि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हड्डियों एवं धातु के मुख्य रूप में कौन सा रसायन रहता है? कौन सा रसायन रहता है? कैल्शियम रहता है दोस्तों। अगला, स्तनियों के निचले जबड़े की हड्डियां, स्तनियों के निचले जबड़े की हड्डियां डेंटरी दोस्तों, कौन सी? डेंटरी। नेक्स्ट है, पेशी के में संकुचन का कारण, पेशी में संकुचन का कारण मायोसिन व एक्टिन दोनों है तो उपयुक्त सभी सी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 57 है, टेंडन रचना जोड़ती है, टेंडन रचना अस्थि तथा पेशी को जोड़ती है, टेंडन रचना अस्थि तथा पेशी को जोड़ती है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। आगे चलिए, हड्डियों में, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, पहला ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 59 है, आपके चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी है? आपके चेहरे में कितनी है? 14 दोस्तों, कितनी है? 14। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? कितनी होती है? 8 हड्डियां होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, हमारी कलाई की संधि होती है, कलाई की संधि कोणिक संधि कौन सी होती है? कोणिक संधि। नेक्स्ट है, एक कंकालीय पेशी के गहरे बेंडस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एन आइसोट्रोपिक बेंडस, एन आइसोट्रोपिक बेंडस दोस्तों। नेक्स्ट है, मांसाहारी जंतुओं में केनाइन धातु का उपयोग होता है, मांसाहारी जंतु में केनाइन धातु का उपयोग होता है, क्यों? मांस को पकड़ने व फाड़ने के लिए। नेक्स्ट है, पेशियों में थकान होती है, पेशियों में थकान होती है लेक्टिस लेक्टिक अम्ल के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है, लिंगामेंट रचना जोड़ती है, लिंगामेंट रचना जोड़ती है किसको? अस्थि को अस्थि से, अस्थि को अस्थि से। नेक्स्ट है, हिंज संधि पाई जाती है, हिंज संधि पाई जाती है कहां पर? रेडियस अल्ना तथा ह्यूमरस में दोस्तों, हिंज संधि पाई जाती है। एक 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? कौन से दांत नहीं होते हैं दोस्तों? मोलर दांत नहीं होते हैं। क्वेश्चन 68, स्तर जोड़ पाए जाते हैं, स्तर जोड़ स्तनियों के करोटी में, स्तनियों के करोटी में। नेक्स्ट है, ह्यूमर अस्थि पाई जाती है कहां पर? ऊपरी भुजा में, ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट है, ह्यूमर्स तथा अल्ना के बीच संधि है, कौन सी संधि है? कब्जा संधि है दोस्तों। क्वेश्चन 71, स्तनियों में कण स्थिकाएं होती है, इनकी कर्ण पट से अंदर की ओर का उचित क्रम चिन्हित कीजिएगा, कौन सा है? मेलियस इनकस स्टेप, ये रहा पहला ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेलियस भाग है, मेलियस किसका भाग है? शशक के मध्य कर्ण अस्थिकाओं का, शशक के मध्य कर्ण अस्थिकाओं का। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने दांत जीवन में एक बार आते हैं? मनुष्य में कितने दांत हैं जो जीवन में एक बार आते हैं? 12 दांत, कितने बार? 12 दांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से पाचक एंजाइम नहीं है, कौन सा नहीं है? इंसुलिन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? किस तक? पिछले भाग तक दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? किसकी होती है? एंजाइम की दोस्तों। क्वेश्चन स्वतंत्र, मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृतनक धातु की संख्या होती है, कितनी होती है? 8 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह है? पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस अंग में होता है? शुद्रांत में दोस्तों, शुद्रांत में। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है? किस अंग में पाई जाती है? आमाशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में धातु की कुल संख्या कितनी होती है? मानव में धातु की कुल संख्या होती है 32 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? घास खाने वाले जंतु रूमिनेट कहलाते हैं, रूमिनेंट। नेक्स्ट है, चवर्णक दांत निम्न में से कैसे होते हैं? चवर्णक दांत निम्न में से कैसे होते हैं दोस्तों? कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं, खुरदरे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी मुख्यतः पाया जाता है कहां पर? सूर्य के प्रकाश में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियां पाई जाती है कहां पर? मुख के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, भोजन का अवशोषण के अंदर होता है? भोजन का अवशोषण के अंदर शुद्रांत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है दोस्तों। नेक्स्ट है, शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उपस्थित अंगुली समान रचनाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? रसांकुर कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से भोजन का अवयव है, इनमें से भोजन कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं? विटामिन डी प्राप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी का मुख्य कारण की कमी, किसकी कमी? विटामिन ए की कमी दोस्तों। नेक्स्ट है, नाइट्रोजनी आहार है, नाइट्रोजनी आहार होता है प्रोटीन दोस्तों, कौन सा होता है? प्रोटीन होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन होता है कीरोटीन, रेशेदार प्रोटीन है कीरोटीन आपका। क्वेश्चन है 194, स्कवरी रोग किसकी कमी से होता है? स्कवरी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा होती है सुक्रोज दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन, संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए, कौन करता है? विटामिन ए करता है दोस्तों। क्वेश्चन 98, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख होता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा होती है दोस्तों, कौन सी? वसा। नेक्स्ट है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, किसकी? किसकी कमी हो? विटामिन डी की दोस्तों, विटामिन डी की। क्वेश्चन नंबर 200, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किसको होती है? विटामिन B12 है, विटामिन B12 को दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, मादा जनन हार्मोन है, बता दीजिए जल्दी से, मादा जनन हार्मोन इनमें से कौन सा है दोस्तों? कमेंट करके बताइए, एक बार देखते हैं, मादा जनन हार्मोन कौन सा है इनमें से? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, और देखते हैं कौन कौन साथी इसको सही करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजिस्ट्रोन, एस्टेडियोल, तीनों मादा जनन हार्मोन है ये, उपयुक्त सभी आपका। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसमें बनता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, कौन करता है ताप का नियंत्रण? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का क्या कार्य, क्या कार्य होता है? गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, गर्भाशय की दीवार में ग्लाइकोजन व्यवस्था संचय करना, गर्भाशय की दीवार में रुधिर की मात्रा बढ़ाना, ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन के कार्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है?
इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरोसिन, हीमोग्लोबिन नहीं है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? FSH के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहां पर? मस्तिष्क के अंदर। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र द्वारा किस हार्मोन के स्त्रावण का नियंत्रण होता है? किसका होता है? पिट्यूटरी का पश्चे पिंड का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी कहलाती है मास्टर ग्रंथि दोस्तों? पिट्यूटरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, किस जीव में हार्मोन नहीं होते? जीवाणु में हार्मोन नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास पर नियंत्रण करता है कौन? करता है कौन? करता है दोस्तों, एस्ट्रोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में लिंगी लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस हार्मोन के द्वारा होता है? किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है कौन? एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का लगातार स्त्रावण आश्रित होता है प्लोकेटिन पर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी विकार रोग है? कौन सा है दोस्तों? गलगंड यानी गेंगा रोग होता है। क्वेश्चन 18, आयोडीन का वर्णात्मक संचय सबसे अधिक होता है किसमें होता है? थायराइड के अंदर। नेक्स्ट है, किसके इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाती है? किसके इंजेक्शन? थायरोक्सिन के इंजेक्शन लगाने पर। क्वेश्चन 220, वेसोप्रेसिन संबंधित है किससे दोस्तों? मूत्र के सांद्रण में। क्वेश्चन 21 है, निम्नांकित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? यहां पर स्त्रीलिंग हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन दोस्तों। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अवटू यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा? ऑक्सिन के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है, दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहां पर होता है? कहां पर? पीयूष ग्रंथि से दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, हार्मोन का उदाहरण बताइए? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? किसको? एस्ट्रोजन को दोस्तों। क्वेश्चन 29, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउटू थायराइड है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? गर्दन में कौन सी स्थित है? आउटू यानी थायराइड दोस्तों। क्वेश्चन 31, बल वस्तु में परिवर्तन करता है, बल है वो वस्तु में परिवर्तन करता है, किसमें परिवर्तन करता है दोस्तों बताइए? बल वस्तु में किसमें? स्थिति, गति, दिशा व आकार, उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट है, बल के प्रकार कौन से हैं? गुरुत्व बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, उपर्युक्त सभी है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियां कौन सा बल लगाती है? पेशीय बल लगाती है। क्वेश्चन 34, सदैव गति का विरोध करता है कौन? करता है घर्षण बल करता है दोस्तों। क्वेश्चन 35, चुंबक के कारण लगने वाले बल को कहते हैं? चुंबक के कारण लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है? रथ को खींचने में घोड़ा पेशीय बल का प्रयोग करता है दोस्तों। क्वेश्चन 37, शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चढ़चढ़ की आवाज निकलती है, उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है स्थिर विद्युत बल दोस्तों, स्थिर विद्युत बल है। नेक्स्ट है आपका, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते हैं? वस्तु के द्रव्यमान को दोस्तों। नेक्स्ट है, बल लगने हेतु
कितनी वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है दोस्तों? कितनी वस्तुओं में आपस में क्रिया होना आवश्यक है? दो वस्तुओं के अंदर दोस्तों। बल लगाने से वस्तु को निम्न में से क्या बढ़ सकती है? क्या बढ़ सकती है? स्थिति, गति, दिशा, उपर्युक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है उस बल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुरुत्व बल दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बल के कारण हम फिसलते हैं? किस बल के कारण हम फिसलते हैं दोस्तों? कम घर्षण बल के कारण दोस्तों, कम घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है, वस्तु का ऊपर नीचे गिरने वाला बल है कौन सा बल है? गुरुत्व बल। वस्तु का ऊपर से नीचे गिरने वाला बल गुरुत्व बल है। आवेशित कंधे की ओर कागज के टुकड़ों का आकर्षित होने वाला बल है कौन सा है? स्थिर विद्युत बल है दोस्तों, ए ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट है, ओलपिनों का आवेशित कील की तरफ आकर्षित होने वाला बल ओलपिनों का कौन सा है? चुंबकीय बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु का स्वतः रुकने वाला बल कौन सा होता है? घर्षण बल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, वस्तु को हाथों से उठाने वाला बल, वस्तु को हाथों से उठाने वाला बल कौन सा होता है? पेशीय बल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पेशीय बल मानव द्वारा भारी वस्तु उठाना, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, बैल द्वारा हल खींचना, ये तीनों पेशीय बल है दोस्तों। न्यूटन था, कौन था न्यूटन दोस्तों? महान गणितज्ञ था न्यूटन। न्यूटन क्या था? महान गणितज्ञ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गति का आकार सरल रेखीय है, वृत्ताकार है, आवर्त है, तीनों गति के आकार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दूरी मापन का साधन है, प्राचीन काल में क्या था? कदम, अंगुलियां, बालिसत, उपर्युक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट है, वृत्ताकार गति का उदाहरण है, वृत्ताकार गति का उदाहरण कोलू के बेल की गति वृत्ताकार गति होती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती? कौन सी गति है जो निश्चित समय अंतराल बाद? पहला ये पेड़ से फल का टूटना, ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए ये, और क्या होता है? मीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपन गति का उदाहरण है, कंपन गति का उदाहरण क्या होता है? वीणा के तार की गति दोस्तों। नेक्स्ट है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक में कौन सी गति होती है? कुम्हार के चाक में कौन सी गति? घूर्णन गति होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से स्थायी माप है, निम्न में से स्थायी माप कौन सा है? स्केल, स्थायी माप होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, लंबी दूरियों को किस माप से नापते हैं? लंबी दूरियों को नापते किलोमीटर से दोस्तों। नेक्स्ट है, परम शून्य जीरो केल्विन वह ताप है जिस पर, यहां पे ध्यान से देख लीजिए क्या बात कही जा रही है, परम शून्य वह ताप है जिस पर, बताइए दोस्तों, जिस पर गैस का दाब एवं आयतन शून्य हो जाते हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ताप स्केल पर तापक्रम ऋणात्मक नहीं होता? किस पर नहीं होता? केल्विन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी का मानकीकरण किया जाता है किसके द्वारा? गैस तापमापी द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी तापमापी का उपयोग किस तापमापक मापन तक किया जा सकता है? किस तक दोस्तों? 360 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है आपका, बर्फ का गलनांक बताना है, बर्फ का गलनांक दाब घटाने पर घटता है, बर्फ का गलनांक दाब घटाने पर घटता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर खुले पात्र में उबालकर चावल पकाना कठिन होता है, क्यों होता है दोस्तों? कम क्वथनांक तथा कम दाब के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है दोस्तों? कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, उस कारण से दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फारेनहाइट ताप पैमाना एवं सेल्सियस ताप पैमाना किस ताप पर समान रहता है? किस पर ताप पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका क्या होगा? पहले संकुचन होगा फिर प्रसार होता है दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 70, बर्फ पिघलने के दौरान बर्फ
एवं पानी के मिश्रण का ताप, क्या होता है? बर्फ एवं पानी का ताप एक होता है दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई उष्मा निर्भर करती है, क्या, किस पर? वस्तु के आयतन पर दोस्तों। नेक्स्ट है, ठोस वस्तु को उष्मा देने पर उनके अणुओं का कंपन आयाम बढ़ जाता है, कंपन आयाम बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा विशिष्ट उष्मा कहलाती है, क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा दोस्तों। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है दोस्तों, क्या होती है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कैलोरी मापी किसके बने होते हैं दोस्तों? धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट है, पानी का त्रिक बिंदु कौन सा होता है दोस्तों? 273.16 केल्विन पानी का त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन, एक बंद कमरे में पानी का छिड़काव ताप कम कर देता है, छिड़काव है ताप को कम कर देता है, क्योंकि, क्यों कर देता है? पानी की वाष्पन की गुप्त उष्मा अधिक होती है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्मा अधिकतम है, विशिष्ट उष्मा होती है अधिकतम जल की दोस्तों, किसकी? जल की। नेक्स्ट है, किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव्य बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है, क्या कारण है? पृष्ठ तनाव है, क्या कारण है उसका? पृष्ठ तनाव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वो कौन सा है? वो है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट है, एक विशेष दिन के समय चूरू 48 डिग्री पर शिमला 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था, सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया, दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? कौन सा पहुंचेगा? चूरू में रखा हुआ प्याला, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर समझ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती है, क्यों मरती है दोस्तों? ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बाह्य ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायु पर, इन सभी पर दोस्तों। नेक्स्ट है, किस ताप पर फारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगुना होता है, किस ताप पर होता है? 160 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन 286, नलकूप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है, क्यों होता है? सर्दियों में भूगर्भ से निकलने वाले पानी के तापमान की तुलना में बाहर का तापमान अधिक निम्न होता है, गर्मियों में इसके विपरीत होता है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बंद बर्तन में भरी हुई गैस को गर्म किया जाए तो गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वह बर्तन की दीवारों से जल्दी जल्दी टकराते हैं, इस वजह से दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म क्यों हो जाता है? वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? वायु के संपीड़न के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा है? हाइड्रोजन है दोस्तों आपका। क्वेश्चन 290, किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है, किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है, वो ही है क्रांतिक ताप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 291, वस्तुओं में से प्रकाश गुजरने के आधार पर कितनी वस्तुएं होती है? 3 प्रकार की होती है दोस्तों। देखिए ये रही, वस्तुओं में से प्रकाश गुजरने के आधार पर वस्तुओं का प्रकार पारदर्शी है, अपारदर्शी है और पारभासी है, यानी कि उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 93, ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के ग्रहण होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 94 ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, दोनों है, तो ए व बी दोनों है दोस्तों। क्वेश्चन 95, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन दोस्तों। छाया बनने व देखने हेतु कितनी स्थितियों का पता होना आवश्यक है? तीन स्थितियों का पता होना आवश्यक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छाया बनने एवं देखने हेतु किस स्थिति को होना आवश्यक है? किस स्थिति का होना आवश्यक है दोस्तों? किसका होना? प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा या सतह, यानी कि उपरोक्त सभी का। यहाँ पे आपका सही रहेगा डी ऑप्शन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 99, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? अपारदर्शी वस्तु यहां पर है आपकी लकड़ी। कौन सी है? लकड़ी है दोस्तों। क्वेश्चन 300, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती। मोमबत्ती आपका कृत्रिम स्रोत होता है। और मित्रों 500 क्वेश्चन हमें देखने थे, लंबी क्लास हो रही थी, इसी वजह से आज इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक चीज यहां से नोट करके सुन के चले जाना मित्रों, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में सेकंड जो क्लास आएगी उसकी लिंक डाल दूंगा, और उसके अंदर आपको इस क्लास की लिंक मिल जाएगी। दोनों वीडियो आप कहीं पर भी देखें, आप दोनों आपस में लिंक के द्वारा देख सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी? अभी हमारी फिजिक्स चल रही है, इसके बाद केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना, और यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी आपको, तो वहाँ पर जाकर हमारे साथ जरूर जुड़ जाना दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।